अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मज़मून निगारी मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात। दौरे हाजिर की सबसे बेहतर और मफीद इजाद मोबाइल फ़ोन है। ख़वातीन हों या मर्द, बच्चे हों या बूढ़े, मोबाइल फ़ोन सब ही की ज़रूरत बन चुका है। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो गया है कि इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। मोबाइल फ़ोन राबते का तेज़ तरीन और आसान ज़रिया है। वज़न में हल्का और साइज़ में छोटा होने के बायस ये बआसानी जेब में समा सकता है। जेब यानी कि पॉकेट। आजकल के दौर में मोबाइल फ़ोन बाहिसे रहमत है। मोबाइल फ़ोन ने लोगों की परेशानी को ख़त्म कर दिया है। अब लोग इंतज़ार की कौफ से बच सकते हैं। कौफ यानी कि मुसीबत। दौरे हाजिर में मोबाइल फ़ोन रखना फैशन नहीं बल्कि वक्त की ज़रूरत भी है। मोबाइल फ़ोन की बढ़ती हुई अहमियत के पेश नज़र कई मोबाइल कंपनियों ने अब ऐसे मोबाइल भी मुतारफ़ करवाए हैं, मुतारफ़ यानी कि इंट्रोड्यूस, जो ख़रीदने में सस्ते और कारकर्दगी में आला हैं। जदीद मोबाइल एक मिनी कंप्यूटर की मानद है। इन पर इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। मोबाइल बोरियत दूर करने का सबसे अहम जरिया है। आप मोबाइल में अपनी पसंद की गेम्स, मजाया क्लिप्स यानी कि फनी क्लिप्स और गाने डाउनलोड करके फारिग वक्त में इनसे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे। मोबाइल फ़ोन के बेशुमार फ़ायदे भी हैं। मिसाल के तौर पर तालिबे इल्म मोबाइल डिक्शनरी का इस्तेमाल करके अपनी वोकैबुलरी में इजाफा कर सकते हैं। वो ऑनलाइन किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वो ग्रामर सीख सकते हैं। कारोबारी हजरात के लिए भी मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ी नेमत है। मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने कारोबार को तरक्की दी जा सकती है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल या फिर मोबाइल के नुकसानात। हर साइंसी इजाद के जहां बेशुमार फायदे होते हैं, वहां कुछ मनफी पहलू भी होते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल से तलबा का तालीम की तरफ रुझान कम हो रहा है। बाज़ बच्चे मोबाइल पर फिल्में देखने और गेम्स खेलने ही में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां मोबाइल पर कॉलिंग पैकेज लगाकर सारा सारा दिन एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, जिससे माशरा बिगड़ रहा है। सही हो दोस्तों, ये ऐसे आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये ऐसे रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप इस ऐसे को रिटर्न फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।